हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सीएसपी इंस्टीट्यूट। सो आज की वीडियो है स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग के अंदर। ये क्लस्टरिंग की एक टेक्निक है जो कि ग्रुप करती है डेटा पॉइंट्स को बेस्ड ऑन सिमिलरिटी ऑफ देयर रिलेशनशिप इन हायर डायमेंशनल स्पेस। हायर डायमेंशनल स्पेस के अंदर जो उसकी सिमिलरिटीज ऑफ रिलेशनशिप है उसके आधार पे डिवाइड करती है, ग्रुपिंग करती है। इट लिवरेजेस दी स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ द डेटा टू आइडेंटिफाई मीनिंगफुल क्लस्टर। अगर सिंपलर टर्म में बात करूँ तो स्पेक्ट्रल जो क्लस्टरिंग है वो यूज करती है कनेक्शंस बिटवीन डेटा पॉइंट टू ग्रुप देम टुगेदर। सो इनका सिंप्लीफाइड मैं एक एक स्टेप वाइज आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करता है, कंस्ट्रक्ट अ सिमिलरिटी मैट्रिक्स, ये कंस्ट्रक्ट करता है सिमिलरिटी मैट्रिक्स। ओके, सबसे पहला काम सिमिलरिटी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है, जिसके अंदर फर्स्ट वी नीड टू मेजर दी सिमिलरिटी बिटवीन ईच पेयर ऑफ डेटा पॉइंट्स। जो हर एक जो डेटा पॉइंट्स है उनके बिटवीन डेटा पेयर्स है उनके बिटवीन जो सिमिलरिटीज हैं। दिस इज टिपिकली डन बाई कैलकुलेटिंग दी पेयर वाइज सिमिलरिटी और डिस्टेंस बिटवीन द डेटा पॉइंट्स एंड क्रिएटिंग अ सिमिलर मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स कैप्चर्स हाउ सिमिलर और रिलेटेड ईच डेटा पॉइंट इज टू अदर डेटा पॉइंट। एक जो डेटा पॉइंट है, मान लो कि मैट्रिक्स बनाई हमने इस तरीके से, मैट्रिक्स बना ली और हमारा डेटा है 1 से लेकर 5 तक, 5 पॉइंट है डेटा पॉइंट में, 1 2 3 4 5। उसी तरीके से 1 2 3 4 और ये 5। तो हमने किया कि पहला खुद के साथ में कितना सिमिलर है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ लिख दी। पहला दूसरे के साथ में कितना सिमिलर है, पहला तीसरे के साथ में कितना सिमिलर है, चौथे के साथ में कितना सिमिलर है, पांचवे के सामने। इसे बोलते हैं अपन सिमिलरिटी मैट्रिक्स, बना ली हमने। और ये जो मैट्रिक्स है वो कैप्चर करती है कि हाउ सिमिलर और रिलेटेड ईच डेटा पॉइंट टू अदर डेटा पॉइंट, ठीक है। तो ये अपनों ने मैट्रिक्स बना ली। अब क्या किया, हमने ग्राफ रिप्रेजेंटेशन किया इसका, क्रिएट अ ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। सो यूजिंग द सिमिलरिटी मैट्रिक्स वी कंस्ट्रक्ट अ ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कॉल्ड द एफिनिटी मैट्रिक्स। इसे हम एफिनिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, एफिनिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। ईच डेटा पॉइंट्स बिकम अ नोड इन दी ग्राफ। हर एक जो डेटा पॉइंट है अब वो नोड बन गया ग्राफ के अंदर। एंड द सिमिलरिटी वैल्यूज डिटरमाइन द वेट्स ऑफ ई एज कनेक्टिंग टू द नोड। और जो उसकी सिमिलरिटी वैल्यू हो गई, कि ये जो थी ना यहाँ पर मैंने ऊपर ये सिमिलरिटी जो वैल्यूज हो गई ये उसकी नोड हो गई हर एक ग्राफ के साथ में, सॉरी वेट हो गया उसका। वन ये 1 और 2 है, उनके अंदर कितनी सिमिलर है, मान लीजिए कि वो सिमिलर है 0.9%। फिर 1 3 के साथ में कितना सिमिलर है, मान लीजिए वहां पर है 0.8। इस तरीके से हम ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कर देंगे। फिर करेंगे कंप्यूट आइगन वेक्टर। हम अगला जो करेंगे वो करेंगे कंप्यूट करेंगे कंप्यूट दी आइगन वेक्टर्स। सो वी कैलकुलेट द आइगन वेक्टर ऑफ द एफिनिटी मैट्रिक्स। जो हमारी एफिनिटी मैट्रिक्स है उसके लिए आइगन वेक्टर्स हम निकालेंगे। आइगन वेक्टर्स आर मैथमेटिकल वेक्टर्स एसोसिएटेड विद आइगन वैल्यूज। इसके अंदर आइगन वैल्यूज होती है एंड रिवील स्ट्रक्चर पैटर्न्स विद द डेटा, या फिर कह सकते हैं रिवील स्ट्रक्चरल जो पैटर्न है उसको रिवील कर देता है आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज की तरह रिवील होता है डेटा का, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज आ जाएगी। फिर हम करेंगे डायमेंशनल रिडक्शन वाला काम, डायमेंशनलिटी रिडक्शन। वी रिड्यूस द डायमेंशनलिटी ऑफ द डेटा बाय सेलेक्टिंग अ सबसेट ऑफ द आइगन वैक्टर्स एसोसिएटेड विद द स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू।
हम क्या करेंगे, सबसेट लेंगे आइगन वेक्टर्स का जो कि स्मॉलर आइगन वैल्यूज है, और उस हिसाब से हम डायमेंशनल रिड्यूस करते जाएंगे। दीज आइगन वेक्टर्स आर कैप्चर्ड द मोस्ट इंफॉर्मेटिव एंड डिस्क्रिमिनेटिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा। सो यहाँ पर आइगन वैल्यूज के हिसाब से हम वो करते जाएंगे डायमेंशनल रिडक्शन। फिर बाद में अपन अप्लाई करेंगे क्लस्टरिंग एल्गोरिदम, क्लस्टरिंग एल्गोरिदम, ठीक है। सो फाइनली वी अप्लाई क्लस्टरिंग एल्गोरिदम सच एज के मीन टू द रिड्यूस्ड डायमेंशनल डेटा। द क्लस्टरिंग एल्गोरिदम ग्राफ्स ग्रुप्स द डेटा पॉइंट बेस्ड ऑन देयर पोजिशन इन द रिड्यूस्ड स्पेस विच रिफ्लेक्ट्स देयर रिलेशनशिप इन द ओरिजिनल हाई डायमेंशनल स्पेस। स्पेक्ट्रल जो क्लस्टरिंग है इज इफेक्टिव इन आइडेंटिफाइंग क्लस्टर्स विद कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग नॉन कॉन्वेक्स एंड इररेगुलर शेप्ड क्लस्टर्स। इट कैन हैंडल वेरियस टाइप्स ऑफ हैंडल एंड डेटा एंड हैज एप्लीकेशन इन इमेज सेगमेंटेशन, सोशल नेटवर्क एनालिसिस एंड जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस। सो इसका मैं आपको ये दिखा देता हूँ, पिक्चर कुछ इस तरीके से काम करता है, ठीक है। सो ये क्लस्टरिंग की, इसने ग्रुपिंग की, क्लस्टरिंग की बेसिकली ग्रुपिंग की, ठीक है। सो दिस इज इट अबाउट स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।